सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे इतिहास के अध्याय 2, समाजवाद, सामान्यवाद व रूस की क्रांति के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो जो दास कैपिटल की रचना है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 1917 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो था वो ट्रस्टकी द्वारा किया गया था। इसके द्वारा, तो ट्रस्टकी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ट्रस्टकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि लेनिन की मृत्यु हुई थी, यानी लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो था वो 1924 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 1924 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? वो हुई थी लंदन में। कहाँ हुई थी? तो लंदन में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लंदन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है मार्क्स का जन्म हुआ था। तो मार्क्स जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था प्रासा में। कहाँ पे? प्रासा में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्रासा में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि दास प्रथा का अंत जार अलेक्जेंडर ने कब किया? तो कृषि दास प्रथा का अंत जो था वो हुआ था 1861 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1861 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता कौन था? जो नई आर्थिक नीति था उसका जन्मदाता था लेनिन। कौन था? लेनिन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लेनिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? जो अप्रैल थीसिस था वो लेनिन के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? जो चार्टिस्ट आंदोलन है वो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ब्रिटेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है रूस की क्रांति के बाद रूस की भूमि से किसका अंत हो गया? रूस की क्रांति के बाद रूस की भूमि से पूंजीवाद का अंत हुआ। किसका अंत हुआ? तो पूंजीवाद का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, पूंजीवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो जो रूस की संसद होते हैं उनको ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो था वो
पलेखनुमा द्वारा किया गया था, क्या गया था तो पलखानू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा, पलखानू मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि भूमि शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए थे। तो भूमि शांति और रोटी का जो नारा था वो लेनिन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लेनिन, लेनिन ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो जो कार्ल मार्क्स है उसका जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अगर ऐसे वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।